आज वाले गेमिंग न्यूज के एपिसोड में हम फ्री फायर लाइट, वॉरजोन मोबाइल, पबजी पीसी और वैलोरेंट मोबाइल जैसे इंटरेस्टिंग गेम्स के लेटेस्ट न्यूज को देखेंगे और वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स, तो कंप्लीट करवा देना। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। कल के दिन एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के अंदर एक न्यू सीजन का अपडेट आया, साथ ही साथ सीजन का ट्रेलर पब्लिश किया। अब ट्रेलर के अंदर गेम के अपडेट में आने वाले सारे मेजर फीचर्स को कवर किया गया था। एंड अगर आप लोग ट्रेलर को ध्यान से नोटिस करो तो इस वाले अपडेट में गेम के अंदर कोई खास कंटेंट या फीचर्स नहीं आ रहा है, बल्कि गेम के पुराने फीचर्स जिनको पास्ट में रिमूव किया गया था उनको ही वापस से गेम के अंदर डाला जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एपेक्स के डेवलपर्स आजकल लेजी हो गए हैं। रिसेंटली ग्लोबली एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था एंड उस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया, जी हाँ गाइस, हमारा भारत देश वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गेमर बेस वाली कंट्री है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर इंडिया में सबसे ज्यादा गेमर्स पाए जाते हैं। एंड गाइस, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 400 मिलियन के अराउंड गेमर्स है। जी हाँ गाइस, काफी बड़ा नंबर है 400 मिलियन, एंड ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है। सो वी कांट प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में हमारी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी एंड मैसिव होगी एंड कितने हाई क्वालिटी के गेम्स इंडिया से निकल के आएंगे। जस्ट अ फ्यू डेज बैक मार्केट में एक न्यू गेम लॉन्च हुआ जिसका नेम है सिग्मा बैटल रॉयल। एंड ये गेम लॉन्च होते ही लोगों के बीच में फ्री फायर लाइट के नेम से पॉपुलर हो गया। लेकिन ऐसा क्यों, चलो मैं बताता हूँ। तो ये गेम टोटली फ्री फायर के जैसा है, यानी कि गेम का मैप, गेम की लॉबी, गेम की वेटिंग लॉबी, गेम के कैरेक्टर्स, गेम का मूवमेंट, गेम का फिजिक्स, मैकेनिक्स, टेरेन एंड हर कुछ टोटली फ्री फायर के जैसा बनाया गया है। नॉट ओनली दिस, इस गेम का साइज फ्री फायर से भी कम है, यानी कि अराउंड 200 MB। तो लोगों ने इस गेम को फ्री फायर लाइट का नेम दिया है और ये गेम इजीली लो एंड डिवाइस में चल जाता है। बाकी ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अब चाहो तो इस गेम को किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के साइट से एक न्यूज निकल के आई कि जल्द ही मध्य प्रदेश में ऐसे ऑनलाइन गेमिंग के ऐप्स जिनमें गैम्बलिंग होती है उनको बैन कर दिया जाएगा। इवन एमपी के होम मिनिस्टर ने ये बताया कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाए जा रहे हैं, इवन लॉ के ड्राफ्ट को भी प्रिपेयर कर लिया गया है। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसे डिसीजन आपके स्टेट में भी लिए जाए, कॉमेंट करके जरूर बताना। प्लेयर IGN जो कि पबजी के काफी पॉपुलर लीकर है एंड इन्होंने पास्ट में पबजी यूनिवर्स के गेम्स के 100% एक्यूरेट लीक्स दे रखे हैं, तो इन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि रैड गेम्स अपने वैलोरेंट मोबाइल प्रोजेक्ट को ईयर 2024 यानी कि अभी से 2 साल के बाद रिलीज करेगी। लिटरली भाई, इतना ज्यादा वेट एंड इतनी बड़ी सैड न्यूज। बाकी यार, इन्होंने ये भी बताया कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में वैलोरेंट को कंसोल प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज किया जाएगा। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, वैलोरेंट मोबाइल 2023 में आएगा या 2024 में, कमेंट करके जरूर बताना। हिल क्लाइंब रेसिंग 1 और 2 के मैसिव सक्सेस के बाद कल रात फिंगरसॉफ्ट गेम्स यानी कि हिल क्लाइंब रेसिंग के डेवलपर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इस फ्रेंचाइजी का अगला टाइटल यानी कि हिल क्लाइंब रेसिंग 3 अभी अंडर डेवलपमेंट है। एंड ये गेम एक अल्टीमेट आर्केड रेसिंग गेम होने वाला है। गेम के अंदर आपको 3D ग्राफिक्स मिल जाएंगे एंड रियल टाइम मल्टीप्लेयर मेहम भी मिल जाएगा, प्लस गेम के अंदर काफी एडवांस फिजिक्स एंड काफी हाई क्वालिटी के मैप्स होने वाले हैं। बाकी लेट्स सी ये गेम कब तक आता है एंड कैसा रहता है। जियो गेम्स को तो हम सब जानते हैं, तो जियो गेम्स ने कोलैबोरेट किया है एनवीडिया जीफोर्स नाउ के साथ क्लाउड गेमिंग प्रोजेक्ट के लिए। एंड इसकी हेल्प से आप मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से हाई क्वालिटी AAA टाइटल को खेल सकते हो बिना पीसी या कंसोल के हेल्प से। एंड गाइस, लेटेंसी भी काफी अच्छी आएगी, यानी कि आपको लैग फेस नहीं होगा। सो लेट्स सी कंपनी कब तक इसको ऑफिशियली रिलीज करेगी, अभी ये बीटा फेज में है। तो यार, फाइनली ना जाने कितने महीनों के वेट के बाद वॉरजोन मोबाइल का सॉफ्ट लॉन्च आ चुका है।
अब सॉफ्ट लॉन्च इंडिया रीजन के लिए नहीं आया बल्कि अभी के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रीजन के लिए आया है। आप लोग VPN की हेल्प से इजिली प्ले स्टोर पर जा करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब प्ले स्टोर पर आपको 200 MB के अराउंड साइज मिल जाएगा एंड जब आप गेम ओपन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5.4 GB का इंटरनली फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी सर्वर्स ओपन है, आप इजिली चाहो तो गेम को एंजॉय कर सकते हो। एंड हाँ यार, मैंने भी गेम को खेला, हालांकि गेम मेरे डिवाइस में काफी लैग कर रहा था, लेकिन हाँ गेम काफी अच्छा है। अब लेट्स सी ये गेम इंडिया के लिए कब तक लॉन्च होगा। माइनक्राफ्ट ने द अवतार लेजेंड के एक न्यू DLC को अनाउंस किया एंड इस DLC के अंदर गेम के अंदर काफी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स के स्किन्स आने वाले हैं एंड ये DLC दिसंबर मंथ में लॉन्च होगा। बाकी आप में से कौन कौन माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल वर्जन खेलता है कमेंट करके जरूर बताना। प्लेयर प्रोग्रेशन एंड मोनेटाइजेशन को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए गूगल क्लाउड ने सुपर गेमिंग यानी कि इंडस बैटल रॉयल के क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट किया है एंड इसको खुद गूगल क्लाउड ने अनाउंस किया एंड काफी सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया। तो यस गाइस, हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए ये काफी बड़ी न्यूज है। बात करते हैं 3-in-1 न्यूज के बारे में। तो पॉपुलर फुटबॉलर मेसी का एक ऑपरेटर बंडल फाइनली कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 एंड वॉरजोन 2.0 के अंदर डाला गया एंड PMGC यानी कि PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप्स के ग्रैंड फिनाले से इंडिया के स्पेशल स्लॉट को रिमूव कर दिया गया है क्योंकि BGMI इंडिया रीजन के अंदर बैन है। एंड यार लास्टली रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि GTA 6 को ईयर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।